subscribe now and press the bell icon. Hello everyone, welcome back to my channel The Pharma Galaxy. आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का चैप्टर साइज रिडक्शन. इसमें हम लोग देखेंगे साइज रिडक्शन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं और किस मैकेनिज्म से साइज रिडक्शन होता है और हम अपने फार्मास्यूटिकल फील्ड में इसका कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. साइज रिडक्शन, देखिए फ्रेंड्स, आपको नाम से ही कुछ समझ में आ रहा होगा कि किसी भी पार्टिकल का यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज का रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, साइज रिडक्शन मतलब किसी भी पार्टिकल या फिर किसी भी सब्सटेंस के साइज का रिडक्शन होना, मतलब कम करना. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. साइज रिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ लार्ज सॉलिड यूनिट मास. साइज रिडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है. क्या करते हैं इसमें, इसमें हम किसी भी लार्ज सॉलिड यूनिट मास के साइज को कम करते हैं. ठीक है, कोई भी यूनिट मास हो गया, जैसे ये एक पार्टिकल है, ठीक है, तो इसके साइज को हम कम करते हैं. कम करने के लिए क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे. इसको तोड़ भी सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं, ये इसके नेचर पे डिपेंड करता है. ठीक है, कि किस नेचर का मटेरियल है. तो इसको तोड़ेंगे तो ये चार पार्ट में हो जाएगा, इसको भी तोड़ेंगे तो ये आठ पार्ट में हो जाएगा और छोटे छोटे. ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, इसका साइज क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है. ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइज रिडक्शन बोलते हैं. एक और डेफिनेशन है, देख लीजिए. साइज रिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ अ सब्सटेंस टू अ फाइनल स्टेट. यहाँ पे देखिए वही चीज कह रहा है कि साइज रिडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी पार्टिकल के साइज को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं. ठीक है, टू अ फाइनल स्टेट मतलब कि फाइन मतलब कम करना, फाइन मतलब कि महीन थोड़ा. ठीक है, तो छोटे स्टेट में करने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं वो क्या होता है, साइज रिडक्शन होता है. जैसे एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल है, कोई साइज किसी पार्टिकल का साइज ये है. ठीक है, तो इसको इसका साइज कम करने के लिए इसको तोड़ा या फिर काटा, जो भी किया, तो इसका ये दो पार्ट में हो गया, फिर ये और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया, तो ये क्या है, फाइनर स्टेट है. ये फाइनर स्टेट, ठीक है. फाइन मतलब महीन, फाइन मतलब क्या होता है, महीन. ठीक, अब देखिए आगे क्या है. कम्यूनिशन इज द सिनोनिम ऑफ साइज रिडक्शन. देखिए इसमें क्या कह रहा है कि साइज रिडक्शन का दूसरा नाम क्या है, कम्यूनिशन. ठीक है, साइज रिडक्शन को हम कम्यूनिशन भी कहते हैं. रेयरली द मटेरियल टू बी यूज एग्जिस्ट इन ऑप्टिमम साइज, मेजोरिटी ऑफ देम हैव टू बी रिड्यूस्ड टू अ डिजायर्ड साइज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मुलेशन. यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि बहुत कम ही ऐसा होता है कि जब हमें किसी फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए कोई भी मटेरियल साइज चाहिए. ठीक है, तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि हमें जितने साइज का उसका पाउडर चाहिए, जो मटेरियल जितने साइज का चाहिए उतने साइज में ही हमको अवेलेबल हो जाए. ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है. नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है कि उसके साइज बड़े होते हैं और उसको हमें रिड्यूस करना पड़ता है, उसको हमें उसके साइज को कम करना पड़ता है. किस प्रोसेस के थ्रू कम करते हैं हम, साइज रिडक्शन के थ्रू. ठीक है, अब प्रोसेस को कम करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, चॉपिंग कर सकते हैं, उसको क्रश कर सकते हैं, ठीक है, ग्राइंड कर सकते हैं, एटसेट्रा. आगे मैकेनिज्म में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से साइज हम लोग रिडक्शन करते हैं. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, कि साइज रिडक्शन का क्या क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से साइज किसी भी पार्टिकल या फिर किसी भी सब्सटेंस का साइज हम कम करते हैं. देखो पहला क्या है, कटिंग. ठीक है, द मटेरियल इज कट इनटू स्मॉल पीसेस बाय मींस ऑफ शार्प ब्लेड. अगर हम किसी भी शार्प ब्लेड की मदद से किसी भी मटेरियल का साइज हम कम कर रहे हैं, मतलब उसको काट रहे हैं, तो किस में आएगा, कटिंग में आएगा. ठीक है, कटिंग मतलब क्या होता है, किसी भी मटेरियल का साइज कम करते हैं, किसके थ्रू, शार्प ब्लेड के थ्रू, उसको हम कट करके उसके साइज को कम करते हैं. ठीक है, जैसे
कोई हार्ड सब्सटेंस हो गया तो उसको हम तोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे अगर कोई टफ सब्सटेंस है, ठीक है, जो टफ है, हार्ड नहीं है, मुलायम है, लेकिन तो उसको हम तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। जैसे मान लीजिए ये इरेजर देख लीजिए, ठीक है, इरेजर है, हाँ, इरेजर पे हम कितना भी मारे ये टूटेगा नहीं टूटेगा। इसको हमें, इसके साइज को रिडक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, ठीक है, किसी शार्प ब्लेड के थ्रू इसको कट करेंगे, तब जाके इसके साइज का क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, द मटेरियल इज क्रस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर। इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी भी मटेरियल को, वो कभी कभी इतना हार्ड होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको तोड़ते हैं तब भी वो नहीं टूटता, हार्ड तो होता है लेकिन नहीं टूटता। तो उसको हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ऊपर से एक ऑब्जेक्ट नीचे से लगाकर उसके प्रेशर को बढ़ाते हैं, ठीक है, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जो ये टूट जाएगा, ठीक है, जब प्रेशर बढ़ता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन। यहाँ पे ऊपर से प्रेशर लगता है, फिर नीचे से प्रेशर लगता है, ठीक है, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, एक टाइम पे क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तीसरा क्या है, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या होता है, द मटेरियल इज हिट बाई एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ हाई स्पीड और मूविंग पार्टिकल स्ट्राइक द स्टेशनरी सरफेस। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी मटेरियल के ऊपर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट बहुत स्पीड से क्या करे, टकराए। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, टकराना, हिट, ठीक है। जैसे ये टैबलेट हो गई, इसका साइज रिडक्शन करने के लिए क्या करना होगा, हम इसे तोड़ना होगा, तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको ये देखिए, ठीक है, ये टुकड़ा हो गया, ठीक। अब और छोटा करने के लिए क्या करेंगे, और मारेंगे तो ये और छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों ये आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, ये इसमें मूव कौन कर रहा है, ये हैमर मूव कर रहा है, इस पे मटेरियल पे टकरा रहा है। और अगर ये हैमर ऐसे रखा रहे और ये मटेरियल इस पे बार बार टकरा है बहुत तेज स्पीड में तब भी ये टूटेगा, ठीक है। तो इस तरीके के साइज रिडक्शन को क्या कहते हैं, इम्पैक्ट बोलते हैं, मतलब टकराने के बाद, लड़ने के बाद जो होता है वो इम्पैक्ट होता है। चौथा क्या है, एट्रिशन। एट्रिशन मतलब देखिए, द प्रेशर इज अप्लाइड टू द मटेरियल व्हाइल द सरफेस आर इन मोशन इन रिलेशन टू ईच अदर। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी मटेरियल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ऐसा कंप्रेशन में होता था प्रेशर अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। देखिए कैसे, जैसे कोई मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल है, इसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर कैसे अप्लाई कर रहे हैं, द सर्फेस आर इन द मोशन इन रिलेशन टू ईच अदर। जब इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा हो, जैसे हम किसी भी, जैसे इसको प्रेशर कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर करने के लिए ऐसे हम मिला रहे हैं, देखिए टूट गया कि नहीं हो गया। जब प्रेशर करते करते हम इसको मूव करते हैं, तो मूव करने के बाद देखिए साइज रिडक्शन हुआ ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एट्रिशन कहेंगे, मतलब कि प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है और जो वो ऑब्जेक्ट है वो मूव भी कर रहा है, उसका सरफेस जो है वो मूव कर रहा है। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसने आप सब ने जाना होगा, देखा होगा कि मोर्टार पिस्टल, ठीक है, मोर्टार पिस्टल में हम जब किसी चीज़ को पीसते हैं तो क्या करते हैं, प्रेशर भी अप्लाई करते हैं और उसको मूव भी करते हैं, ठीक है। जैसे सील बट्टा भी हो गया, सील बट्टा, मोर्टार पिस्टल नहीं समझ पा रहे तो सील बट्टे से समझिए। सील बट्टे में क्या करते हैं, प्रेशर भी अप्लाई करते हैं और उसको मूव भी करते हैं, जिसके वजह से उसका साइज क्या होता है, रिडक्शन होता है। वो उस पर कौन सा मैकेनिज्म लगता है, एट्रिशन का मैकेनिज्म लगता है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या बात कर रहा है कि फार्मास्यूटिकल फील्ड में हम साइज रिडक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उसका यूज होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, इसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है, साइज रिडक्शन इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ ड्रग विच हेल्प्स इन रैपिड सॉल्यूशन फॉर्मेशन। इसमें क्या कर रहा है कि जब हम किसी चीज का साइज रिड्यूस करते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, जैसे एक पार्टिकल साइज है, ठीक है,
पार्टिकल साइज, इसको हम साइज कम करेंगे, इसको तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। पहले सरफेस एरिया क्या था, 1, 2, 3, 4, ठीक है, अब क्या है, 1, 2, 3, 4 इसमें हो गए, फिर 4 इसमें हो गए, 8 हो गए, तो सरफेस एरिया बढ़ गया। और जब सरफेस एरिया बढ़ता है तब कोई भी सॉल्यूट उसके सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है और सॉल्यूशन बना लेता है। अगर किसी भी कंटेनर में आप बड़ा सॉल्यूट डाले, ठीक है, बड़े सॉल्यूट डाले, मतलब कि पार्टिकल साइज बड़े हों उसके, और किसी भी कंटेनर में छोटे डाले, तो छोटा वाला जो जिसका पार्टिकल साइज छोटा है वो जल्दी घुल जाएगा, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ कह रहा है कि साइज रिडक्शन जब हम करते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो जल्दी बन जाता है, ठीक। अब देखिए, थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस ऑफ सर्टेन ड्रग इज इंक्रीज्ड बाय द रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज। जो चीज साइज रिडक्शन हो जाए, ठीक है, साइज रिडक्शन होने के बाद क्या होगा, अच्छे से डिसॉल्व होता है और अच्छे से एब्जॉर्ब भी होता है। देखिए नीचे ये लिखा है, स्मॉलर द पार्टिकल साइज क्विकर ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। और अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि हमें थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस जो है वो अच्छा मिलेगा, ठीक है, बेहतर मिलेगा। अप्रोप्रिएट पार्टिकल साइज इज यूज्ड इन इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल साइज है वो नियम, मतलब कि एकदम सुनिश्चित होना चाहिए, ठीक है, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए न बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि हमारे वो मतलब कि ब्रोंकियोल्स में जा पाए, और इतना बड़ा होना चाहिए कि वहाँ पे जाके वो एब्जॉर्ब हो जाए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो वो जब हम एक्सहेल करते हैं, हवा बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो पार्टिकल भी उस एयर के थ्रू वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो पार्टिकल का साइज इतना होना चाहिए कम से कम कि वो हमारे ब्रोंकियल्स में पहुंचने के बाद वो चिपक जाए और वहां से वो एब्जॉर्ब हो जाए। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग द साइज रिडक्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई किसकी, ड्रग की, जो मटेरियल हम लोग कम कर रहे हैं, मतलब जिस मटेरियल का साइज हम लोग कम कर रहे हैं उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये भी अफेक्ट करता है, ठीक है, वो हार्ड है कि टफ है, ठीक है, कि अफेक्ट करता है। जैसे कोई चीज़ हार्ड हो तो उसको हम इम्पैक्ट के थ्रू उसका साइज रिडक्शन करते हैं, कोई चीज़ टफ हो तो उसको कटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अब पेपर क्या, जैसे ये पेपर है, इसके साइज को रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, इस पर हथौड़ा मारेंगे, नहीं, इसको हम कटिंग करेंगे, ठीक है, शार्प ब्लेड के थ्रू इसको कट करेंगे। मेल्टिंग एंड सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल, कोई भी जब ड्रग हम उसको रिड्यूस करते हैं तो रिड्यूस करने के दौरान उस मतलब कि थोड़ा हीट जनरेट होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर लगातार मूव करती है तो उसमें हीट जनरेट हो जाता है, सब जानते हैं, जाहिर सी बात है। तो ऐसा सब्सटेंस हम यूज़ नहीं कर सकते जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो, क्योंकि अगर वो मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो थोड़ी सी हीट जनरेट होगी, वो मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट करने के बाद क्या होगा, वो अपरेटस में चिपक जाएगा इधर उधर जाके और काम सारा ख़राब कर देगा, छोटा होगा भी नहीं और काम भी ख़राब कर देगा, मेहनत भी ख़राब हो जाएगी। क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल टू बी यूज्ड, हम इतना ही मटेरियल उसमें यूज़ कर सकते हैं जिसको अच्छे से वो रिड्यूस कर सके। अगर कंटेनर इतना बड़ा है, ठीक है, हम यहाँ तक उसको भर दिए, 90% तक भर दिए, 10% खाली है, तो उसको स्पेस ही नहीं मिलेगा टकराने का या फिर मूव करने का, तो जब स्पेस नहीं मिलेगा तो कैसे रिड्यूस हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा क्या है, मटेरियल शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम द बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन देन रिडक्शन विल बी कैरीड आउट। ये तो किसी भी, ये तो जाहिर सी बात है, अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, वो फ्री फ्रॉम बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन, ठीक है, वो एकदम प्योर होना चाहिए, किसी भी तरीके का उसमें कॉन्टामिनेशन नहीं होना चाहिए, कॉन्टामिनेशन मतलब इम्प्योरिटी, ठीक है, कॉन्टामिनेशन मतलब इम्प्योरिटी। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व, किस ड्रग को रिड्यूस करने के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है, ये भी उसको अफेक्ट करता है, ठीक है, कि कितना मतलब कि कई सारी चीज़ें लगते हैं, अपरेटस लगता है, फिर मोटर मतलब कि उसको मैकेनिकली चलाने के लिए लाइट का कनेक्शन लगेगा या फिर जनरेटर लगेगा या फिर मोटर, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें लगती हैं, तो ये भी उस पर अफेक्ट करती हैं। साइज ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल का साइज़ कितना है, मतलब पार्टिकल जो हम लोग कम कर रहे हैं उसका साइज़ कितना है,
ये भी अफेक्ट करता है साइज रिडक्शन को। तो यहाँ हो गया हमारा साइज रिडक्शन का इंट्रोडक्शन और जो मैकेनिज्म फार्मास्यूटिकल फील्ड में कैसे एप्लीकेशन होता है उसका और कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बॉल मिल और हैमर मिल के बारे में कि कैसे किसी भी पार्टिकल का रिडक्शन होता है, उसका वर्किंग पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल पर नया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।